प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर आतंकवाद की मदद लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये दल दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे। पाकिस्तान के पक्ष की बातें करें तो हीरो बनने की होड़ में है। मोदी ने अमरोहा में आयोजित रैली में कहा कि जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा था तो ये उनके पक्ष में बात कर रहे थे, वहीं हीरो बनने की स्पर्धा कर रहे थे। कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, ये सभी आतंकवाद को लेकर नरम रवैया अपनाए हुए हैं। इसी के चलते आतंकवादियों के हौसले बुलंद हैं और हमारा अस्तित्व संकट में है। मुस्लिम बहुल सरहानपुर में मोदी ने 3 तलाक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक को कुचक्र करने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन सहयोगियों ने उनका मदद नहीं की। आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारे देश में ही कुछ लोगों को परेशान करता है, उनकी रात की नींद उड़ जाती है। जब भारत दंगे की चोट पर दुश्मन को मारता है तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है तो ये पाकिस्तान के पक्ष की बातें कर रहे हैं, वो वहां पर हीरो बनने की स्पर्धा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आतंकवाद पर इसी नर्म रवैये की वजह से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। इन दलों ने सिर्फ आतंक को ही मदद नहीं दी है, इन्होंने आपके जीवन, आपके अस्तित्व को भी संकट में डालने का काम किया है। साथियों, उन दिनों को याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या होता था? कभी लखनऊ में बम फूटते थे, धमाके होते थे, कभी रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में धमाके होते थे, कभी भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी को दहला दिया जाता था, कभी रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला हो जाता था। अक्सर इन हमलों के तार यूपी के अलग इलाके दूर दूर तक इलाकों में जाते थे। देश की एजेंसियां बहुत मेहनत से उन हमलों में शामिल लोगों को पकड़ती थी, लेकिन वोट बैंक की अपनी सियासत की वजह से बुआ भी और बबुआ भी, उनकी सरकारें उनको छोड़ देती थी। साथियों, ये हमले किसके खिलाफ थे, ये हमले कौन करा रहा था और क्यों सपा बसपा ऐसे लोगों पर मेहरबान थी, ये आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। साथियों, अब बीते 5 वर्षों से धमाके रुक गए कि नहीं रुक गए, बम बंदूक की आवाजें बंद हुई कि नहीं हुई, निर्दोष लोग मरना बंद हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, धमाके इसलिए रुक गए क्योंकि दिल्ली में आपने एक चौकीदार को बिठा दिया है। आतंकियों को पता है कि वो एक गलती करेंगे तो मोदी उन्हें पाताल में भी खोज करके सजा देगा।